अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आपकी जो लास्ट मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में गर्ल्स अब बातें नहीं करो और तुम अगर हंसते हुए नज़र आई, दोनों बिल्कुल चुप, सामने देखें। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, आपा देख के लगना जाए। अब हमारे पास सामने देखिएगा स्टूडेंट्स, अभी जो मैं नुमैकल स्टार्ट करवा रहा हूँ चैप्टर नंबर 11 का, एक बहुत ही आसान नुमैकल है। और मैं अगर बिलफर्ज़ आपके लिए सिंसियर हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपके लिए लॉयल हूँ, तो पता है मैं क्या बोलूँगा कि अल्लाह करके ये वाला नुमैकल आपके पेपर में आ जाए। आमीन। देखिए आप कितने ट्रस्ट करते हैं मुझ पर कि सर हमारे साथ लॉयल हैं। अब उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि मैं ये नुमैकल जब कराऊँगा तो आपको अंदाज़ा होगा नुमैकल आसान नहीं बल्कि शुद्ध आसान है। आसान नहीं है बल्कि क्या है? शुद्ध आसान है। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन इस वक्त जो बच्ची या बच्चा लिखता हुआ पाया जाएगा तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा तमाम बच्चे चुप करके सामने देखें और नोट्स में पहले हम सुन लें ज़रा क्या टॉपिक है, उसके बाद आप लोगों ने नुमैकल्स निकाल लेने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। आइए सामने देखिएगा तवज्जो के साथ। अभी रहने दो, नोट्स की भी ज़रूरत नहीं है। देखो सबसे पहला यहाँ जो फार्मूला यूज़ किया जाएगा वो यूज़ किया जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। और मेरे साथ बोलो जल्दी से, फार्मूला क्या यूज़ किया जाएगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। मछली बाजार नहीं बनाओ, एक साथ पढ़ो, एक साथ ख़त्म करो। बोलो क्या है? डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा यहाँ पर डेल्टा क्यू पता है क्या है? डेल्टा क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एंटर इंटू द सिस्टम। डेल्टा क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एंटर इंटू द सिस्टम, यानी वो हीट एनर्जी जो अंदर जा रही है या बाहर आ, मतलब जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या इवॉल्व हो रही है, ये हीट एनर्जी क्या कहलाती है? डेल्टा क्यू। यानी डेल्टा क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। डेल्टा क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी ऐसे याद करवाया था मैंने। डेल्टा, फिर बताओ, डेल्टा क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट, फिर बोलो डेल्टा क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट। मुनासिब हो गया। अब इसके बाद किसकी बारी आई? डेल्टा यू। डेल्टा यू इज़ द अमाउंट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बोलो डेल्टा यू इज़ द, व्हाट अ यूनिक वॉइस, दोबारा से बोलो क्या है? डेल्टा यू इज़ द अमाउंट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। फिर बोलो डेल्टा यू क्या है? अच्छा अब आता है डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। डेल्टा डब्ल्यू इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। डेल्टा डब्ल्यू इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। फिर मुसलमानों रिपीट करो, कितने फैक्टर्स हैं? पहला कौन है? डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या है? अमाउंट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम। एंड डेल्टा डब्ल्यू इज द, क्लियर है? अब भाई साहब तीन में से दो दे दें, एक दो तीन, तीन में से कितने दे दें? दो, और तीसरा निकालने बोले। तीन में से दो दे दें और तीसरा निकाल लोगे? अच्छा एक मिनट, एक चीज़ याद रखिएगा, वर्क डन का गेम दो तरह का होता है, इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। डेल्टा वर्क डन का, वर्क डन का कितने तरह का होता है गेम? दो तरह का। एक होता है वर्क डन, ये क्या बात है आपकी, एक होता है वर्क डन बाय द सिस्टम और एक होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। आप कितने गरीब हों, आप कितने बेबस और कितने लाचार हों, आपको ये तो पता ही होगा कि वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। और वर्क डन ऑन द सिस्टम हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। पता है? अच्छा जी, इसके बाद डेल्टा यू आ जाता है। डेल्टा यू अमाउंट ऑफ चेंज, अगर डेल्टा यू इंक्रीज हो रहा हो, ये फैक्टर याद रखिएगा, मैं न्यूमेरिकल करने के लिए दूंगा तो काम आएगा, अगर इंक्रीज हो रहा हो तो पॉजिटिव और अगर, क्या बात है, बस ये पहला फॉर्मूला था। अच्छा जी पहले क्यों डरा रही हो बहन, आ जाओ एक एक देख के देख के, आराम से इतने जज्बात में क्यों आई हो तुम आज?
शुक्र अदा करो तुमने सारा का सारा यहाँ पे बेड़ा गर्क नहीं किया। चलो जी, खैर स्टार्ट करें आगे। हमारे पास पहला फार्मूला है डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, और दूसरा फार्मूला है, दूसरे फार्मूले में ना डेल्टा डब्ल्यू फ्री हो जाएगा, बहुत सारे फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है एफ डी, पहला फार्मूला क्या है एफ डी डेल्टा, पहला फार्मूला क्या है एफ डी, दूसरा फार्मूला है पी ए डी। भाइयों मुझ पे तवज्जो तो भरा है, मेहरबानी है ना, ये कौम हमें पढ़ने देगी नहीं। अच्छा जी, फिर बताओ कितने फार्मूलाज हैं, बहुत सारे। डेल्टा डब्ल्यू का पहला फार्मूला क्या है एफ डी, याद करो जल्दी। डेल्टा डब्ल्यू का पहला फार्मूला, दूसरा, तीसरा, तीस, चौथा। अब बात सुनो, इतने जो एफ है ना न्यूटन, भाई जो न्यूटन में वो एफ, जो न्यूटन में वो एफ, ऐसा ही है जो मीटर में वो डी। देखो मैं ना आपको बताऊँ, मेरी एक आदत है, मैं वैल्यू को नहीं देखता, मैं यूनिट को देखता हूँ। हम यूनिट से वैल्यू को पहचानते हैं भाई, जिसके साथ न्यूटन लगा हुआ है, अब वो कुछ भी लगा हुआ है सानू की, जो न्यूटन के साथ लगा हुआ है वो फोर्स है, जो मीटर के साथ लगा हुआ है वो डी है, एंड दैट्स ऑल। क्लियर है जी, तो ज़्यादा हमें बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये प्रेशर है, वॉट प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है, आइंदा इस तरह की गलत बात की तो मैं लगा दूंगा वाट। अच्छा जी, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, याद रहेगा। एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। अगेन डी की यूनिट मीटर। प्रेशर, वेरी गुड। वेलोसिटी, कहाँ से उठ के आए हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कौन सी वेलोसिटी आती है आपा, कुछ तो खुदा का खौफ करो। वॉल्यूम, मीटर क्यूब, ये ना जब आज के 65-70 साल के बाद तुम्हारे पोते पोती हो जाए ना तो ये जाके वीडियो दिखाना, मैं तो मर चुका हूँ उस वक्त, लेकिन ये वीडियो ज़रूर दिखाना कि देखो बेटा मेरा जवानी में क्या हाल था, जहाँ भी नज़र आता था किसी को वॉल्यूम बोलती थी, किसी को वेलोसिटी बोलती थी। अच्छा जी, आर 8.313, शुक्र कुछ तो सही बोला। अच्छा जी, डेल्टा टी सेल्सियस और केल्विन में, अब मुझे जल्दी जल्दी बताओ, जो वैल्यू मीटर क्यूब में होगी वो कौन होगी, जो वैल्यू मीटर में होगी डी, डी डी है पूरा नहीं बोलो डी। अच्छा, जो वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगी वो, जो वैल्यू न्यूटन में होगी वो फोर्स, जो वैल्यू न्यूटन में होगी वो फोर्स, जो वैल्यू एट, अच्छा आर की वैल्यू कॉन्स्टेंट है 8.313 सेल्सियस और केल्विन या उसमें डेल्टा टी गिवन होता है, जो वैल्यू हमारे पास मीटर क्यूब में होगी वो क्या। अब एक मुझे मिनट दीजिएगा, अब आप तमाम बच्चे ये एहसान करें मुझ पे कि नोट्स निकालें और नोट्स में मुझे ज़रा पेज बता दें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स मैंने कहाँ दिए हैं, और जो वीडियो देखेंगे बाद में वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, सॉरी अपना न्यूमेरिकल्स की जो PDF है या न्यूमेरिकल की जो लिंक है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। कल की वीडियो मैंने कल रात अपलोड नहीं की, आज रात अपलोड होगी। स्टूडेंट्स मुझ पे तवज्जो रखिएगा, तमाम बच्चे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स पे आ जाएं, पेज नंबर देखें, 8 न्यूमेरिकल्स हैं टोटल, टोटल कितने न्यूमेरिकल्स हैं 8, तमाम बच्चे यहाँ देखें कितने न्यूमेरिकल्स हैं 8। अब वो 8 न्यूमेरिकल में से जो सबसे मुश्किल न्यूमेरिकल्स हैं ना, ये वाले न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है ना, उससे ऊपर है न्यूमेरिकल्स। कार्नट इंजन के न्यूमेरिकल की बात हो रही है, वो चलो मैं 7 न्यूमेरिकल करवा दूंगा आप लोगों को बेटा, बॉयज एंड गर्ल्स, बाकी मोबाइल निकाल लो ना आप, गरीब गोरा आपको पता ही है बेचारे गरीब बच्चे, नोट्स नहीं होता, 35-40 हज़ार को मोबाइल है बस, क्या खैर अल्लाह ताला आपको आपके ये मामला दुरुस्त फरमाए, घर में इतने पैसे आ जाएं 200-250 रुपए कि आप नोट्स ले सकें, पूरा वक्त किसी भी आ सकता है, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बाकी 35-40 हज़ार रुपये मोबाइल की क्या चीज़ है, ये तो आजकल हर बच्चे के पास हर घर में होता है,
नोट्स लेना जाहिर सी बात है 200 रुपये का खर्चा। स्टार्ट करें, आज हमारी क्लास में एक नई बच्ची आई है, आइए उससे पढ़वाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूमेरिकल हमारे इंपॉर्टेंट हैं इस टॉपिक के अंदर। 2 न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल सुन लो कौन कौन से, एक न्यूमेरिकल नंबर 3, एक न्यूमेरिकल नंबर 4। तमाम बच्चे मुझ पर तवज्जो रखें, अगर ना पेपर में से सवाल आया तो इन दो में से एक न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा। अगर इस टॉपिक का न्यूमेरिकल आया, इस टॉपिक का न्यूमेरिकल आया तो इन दोनों में से, बेटा लास्ट बातें नहीं करो अब, इन दोनों में से एक न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा। लेकिन प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, अभी लिखिएगा नहीं। तमाम बच्चे न्यूमेरिकल नंबर 3 और 4 एक साथ में करा रहा हूँ, सुनने चले जाएँ, मुझे डेटा में सपोर्ट कीजिएगा, कोई अभी लिखेगा नहीं। जो बच्ची लिखते हुए पाई जाएगी न्यूमेरिकल नंबर 3, ये दोनों न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है जी। अब देखते हैं आप इसे कौन बताता है। 1200 जूल ऑफ, एक बच्ची बोल रही है ना, मैं उसकी सुन रहा हूँ, बाकी सब बच्चे चुप रहे हैं, बस मुझे बताएं कि क्या दिया हुआ है। दोबारा से सवाल पढ़ो। 1200 जूल ऑफ हीट एनर्जी आर सप्लाइड टू अ सिस्टम। इसीलिए कहते हैं क्लास में टाइम पे आया करो, ठीक है, जहाँ पे Q1 है ही नहीं, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम, बताओ बच्चों डेल्टा U है, डेल्टा Q है, डेल्टा W, क्या है ये? डेल्टा Q, क्या है बताओ? डेल्टा Q, डन है, आगे बढ़ो। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सुनो मेरी बात, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस बाय 750 जूल, भाई साहब डेल्टा यू, आगे। मीटर क्यूब होगा, 4.5 मीटर क्यूब। आप में से कौन बताएगा ये क्या दिया हुआ है? डेल्टा वी, वेरी गुड, जबरदस्त, आगे। फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द पिस्टन, डेल्टा डब्ल्यू, और क्या निकालें, एंड प्रेशर ऑन द सिस्टम। बेटा मुझे एक बात बताएं, ये न्यूमेरिकल नंबर कौन सा था? 3। सबसे पहले आप ही सिलेक्ट करें कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब बात सुनो, डेल्टा यू पता है 750, डेल्टा क्यू पता है, डेल्टा डब्ल्यू निकाल लेंगे, ये माइनस का वहां जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस के यहाँ के माइनस हो जाएगा। बहरहाल यहां से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू का आंसर निकाल लीजिएगा खुद से, जूल में क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, नोट्स में भी आंसर गिवन है तो पता चल जाएगा सही आया गलत आया। वेट, डेल्टा डब्ल्यू निकालने के बाद अब आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? क्या बात है आप लोग की, पी डेल्टा वी। डेल्टा डब्ल्यू पता है, मतलब पता चल चुका है उस वक्त तक, पी डेल्टा वी पता है क्या निकालना है, पी डेल्टा वी का फैक्टर वहां जाके क्या होगा, डिवाइड, दोनों को डिवाइड कराएंगे पी आ जाएगा। बोलो साहब क्लियर है, मुश्किल तो नहीं है, हो जाओ शुरू। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है, नहीं 4 में अभी नहीं करा रहा, पहले 3 करो, 3 के बाद 4 करेंगे। तमाम बच्चे शुरू हो जाएं, जो बच्चा सबसे पहले करेगा मैं आके उसके रजिस्टर में सबसे पहले देखूंगा। स्टार्ट हो जाओ, इट इज कॉमेडी, स्टार्ट हो जाओ बेटा। बॉयज एंड गर्ल्स, किस किस ने कर लिया, सबने कर लिया, जरा बताओ वर्क डन कितना आ रहा है? 450 जूल आ रहा है भाई, 100 पूरा 100, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डन है। आइए स्टार्ट करते हैं गाइस, सामने देखें, मैंने कहा क्या कहा था, न्यूमेरिकल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल नंबर 3 के बाद 4, हमने कर लिया 3, अब किसकी बारी है? 4, आओ 4 करते हैं। 4 पढ़ने जा रहे हैं इस क्लास के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट, मोहतरम जनाब ये जो वाइट शर्ट में बैठे हैं, क्या नाम है इनका? शाका, बताओ भाई नाम क्या है?
ओसाका, हुज़ैफ़ा, हुज़ैफ़ा, हुज़ैफ़ा हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा शाका क्वेश्चन नंबर 4 पड़ेगा जी। शाका कितना जूल? 2000 जूल ऑफ हीट एनर्जी आर सप्लाइड। एक मिनट, 2000 जूल ऑफ हीट एनर्जी आर सप्लाइड, कौन बताएगा क्या है ये? डेल्टा क्यू, हीट सप्लाई वाला है ना ये, तो डेल्टा क्यू है। आगे अच्छा एक 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 बात बताऊं मैं, मेरी जितनी भी यहाँ पे पेप्सी वाली लोग बैठी हुई हैं और बैठे हुए, इट इज़ नॉट प्रेशर, ठीक है, इट इज़ प्रेशर। तो 1.01 एक्सपोनेंशियल 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये क्या है? ठीक है, आगे बढ़ो। बेटा आवाज़ नहीं आ रही, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शाका, तुम टेरिस बन जाना, तुम पढ़ नहीं सकते, तुम टेरिस बन जाना। 2×10^-2 मीटर स्क्वायर, आवाज आ रहा भाई, एरिया है, डन है, आगे बढ़ो। 0.5, अब बात सुनो, 0.5 मीटर क्या है ये? डी, वेरी गुड, कैलकुलेट वर्क डन एंड वर्क डन, और आगे जुमला क्या है? इंटरनल एनर्जी, वही डेल्टा यू। अब बेटा बात सुनो, सवाल में आपको ये दिया हुआ है, सबसे पहले पता है कौन सा फॉर्मूला लगाना? डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ए डी, पी पता, ए पता, डी पता, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। उसके बाद जब आप डेल्टा डब्ल्यू निकाल चुके होंगे, उसके बाद आप वो करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए इस क्लास के अंदर, और वो है ये वाला फॉर्मूला, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। गाइज बताओ डेल्टा यू पता है? नहीं। डेल्टा क्यू पता है? डेल्टा डब्ल्यू पता चल चुका होगा, डेल्टा यू निकाल लेंगे और जूल में डेल्टा यू का भी क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बोलो कर लोगे? हो जाएगा? एनी मुश्किल? नो मुश्किल। चलो जल्दी से मेरा बेटा स्टार्ट कर दो। ये बेटा जो बच्चे ये वाला सवाल कर लें, इसके बाद आप बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करेंगे। कौन सा ट्राई करेंगे? 6। स्टार्ट हो जाओ बेटा। मैंने इस न्यूमेरिकल के बाद आप लोगों को कहा था न्यूमेरिकल नंबर 6 करने के लिए, कि न्यूमेरिकल नंबर 6 क्या कर लीजिएगा? ट्राई कर लीजिएगा, जो स्टूडेंट्स कर चुके हों। अच्छा 6 में ना सिर्फ एक गेम है, और वो ये कि उसमें जो डेल्टा क्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर, मेरी बात सुन लो, अच्छा जो क्वेश्चन नंबर 6 कर चुके हैं वो अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि मैं बाकी बच्चों के लिए और वीडियो के लिए ये कंप्लीट कर रहा हूँ। आप तमाम बच्चे न्यूमेरिकल नंबर 2 कर लें, ठीक है? क्या कह रहे हो? तमाम बच्चे न्यूमेरिकल नंबर 2 कर लें जो कर चुके हैं। मैं 6 के लिए उन बच्चों को बता रहा हूँ कि जो नहीं कर पाए। क्वेश्चन नंबर 6 का जो डेटा है ना, उसमें पता है गेम क्या हो रहा है? उसमें वो कह रहे हैं कि ज़रा पढ़ना न्यूमेरिकल नंबर 6 बेटा। हाँ पढ़ो, अब देखो, अब सिस्टम एब्जॉर्ब्स 1000 जूल ऑफ हीट एनर्जी, आगे 600 जूल ऑफ वर्क, डेल्टा डब्ल्यू कितना दिया हुआ है? 600 जूल, आगे बाय लूजिंग 100 जूल। बात सुनो, डेल्टा क्यू यहाँ पे ना डायरेक्टली 1000 नहीं होगा, क्योंकि 1000 दिया हुआ तो है लेकिन 100 जूल क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो लिहाजा ये कितना बन जाएगा? 900। और उसके बाद अब ये सवाल बहुत आसान बन गया, इंटरनल एनर्जी निकालनी है, सॉल्यूशन करेंगे डेल्टा यू। अब ये सवाल बहुत आसान है, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है? 900, और डेल्टा डब्ल्यू कितना है? 600। आंसर कितना आ जाएगा? 300 जूल। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, इस सवाल की इतनी औकात नहीं है कि ये सवाल बन गया है, ठीक है? तो ये सवाल किस में आ सकता है? एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है जी? मुश्किल तो नहीं है बेटा? अब तमाम बच्चे न्यूमेरिकल नंबर 2 करें, और बहुत आसान है। न्यूमेरिकल नंबर 2 में मेरे ख्याल से डी इजाफी दिया हुआ है ना, डी इजाफी दिया हुआ है, तो कभी भी ऐसा होना
कि आपको कोई चीज़ इजाफी दे तो उसको इग्नोर मार दें, आपको जो चाहिए वो डेटा में मौजूद है, सवाल हो जाएगा। अब आप तमाम बच्चे बाकी तमाम न्यूमेरिकल्स आराम से कर लीजिएगा, खुद से हो जाएंगे। मुझे एक बात होता समझ में आ गया, न्यूमेरिकल्स ईजी होकर करना बेटा, यूँ इंशाल्लाह होंगे सारे न्यूमेरिकल्स। हो गए सारे, तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते रहें। आज हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल का पोर्शन भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।